आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शहर की सड़कों पर उमड़ा भगवा सैलाब, सड़क गली छत सब जगह भगवा ही भगवा। गोरखपुर महानगर में सीएम योगी का रोड शो हम सब भगवा के नारे के साथ समापन से और चटक हुआ। भगवा रंग योगी के समर्थन में शुरू से अंत तक गूंजता रहा हम भी हैं भगवाधारी का उद्घोष। गोरखपुर शहर में रोड शो के दौरान मिले अपार जनसमर्थन पर बोले सीएम योगी, कहा यह जनसैलाब बता रहा है कि 10 मार्च को विपक्ष का होगा सुपड़ा साफ। भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मोदी सरकार में यूपी का रेल बजट बढ़ा 10 गुना, 25 से 30 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे वर्ल्ड क्लास, गोरखपुर को राजधानी और वंदे भारत ट्रेन की मिलेगी सौगात, प्रदेश में प्रचंड बहुमत से फिर बनेगी भाजपा की सरकार। मार्च को मतदान वाले दिन शराब की दुकान रहेगी बंद, जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा। पुलिस प्रशासन व आबकारी विभाग लगातार अवैध शराब के खिलाफ चला रही अभियान, शराब वितरण व सार्वजनिक दावत की सूचना मिलने पर की जाएगी कार्यवाही। विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी के नेतृत्व में किन्नरों ने निकाला मतदाता जागरूकता अभियान, कहा सीएम योगी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ गोरखपुर में हम जिले के सभी लोगों को वोट करने की कर रहे हैं अपील। भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गीता प्रेस पहुंचकर प्रिंटिंग स्थल का किया निरीक्षण, कहा गीता प्रेस का भारत की संस्कृति को पूरी दुनिया में पहुंचाने का है बहुत बड़ा योगदान। मार्च को विधानसभा चुनाव में जनपद के 150,000 नए मतदाता करेंगे अपने मत का प्रयोग, जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि छठे चरण के मतदान में सभी सीटें जीतेगी भाजपा, प्रदेश में दोबारा बनेगी भाजपा की सरकार। पोलिंग पार्टी रवानगी के लिए जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी, जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा। पोलिंग पार्टी की रवानगी के लिए बसों को DDU में करवाया गया है खड़ा, 2 मार्च को पोलिंग पार्टी को मतदान बूथों के लिए बसों को कराया जाएगा रवाना। पर्वत सम्मेलन में बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, कहा हर व्यक्ति का जीवन सुगम बना रही है मोदी सरकार, लोगों को अच्छी गुणवत्ता के साथ मिलेगी 4G सेवा, पोस्ट ऑफिस में कई जन सुविधाएं मिलनी हुई शुरू। दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे के नेतृत्व में दवा विक्रेताओं ने निकाला मतदाता जागरूकता रैली, दिलाया 100% मतदान करने के लिए शपथ, भारतीय जनता पार्टी सरकार के पक्ष में मतदान करने की अपील। और गोरखपुर में सोमवार को पाए गए 10 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 263, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि।